टांगे कैसा लगा है आपको? बड़ी तीसरी चौथी बार आ रहा है माशाल्लाह। तो आपके इलाके में भी आया था ये सैलाब वगैरह? नुकसान हुए तो यानी ये फिर अब आपने क्या उसको आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, आस्ते आस्ते कवर हो रहा है। मगर एक बात दूसरी वाजे करता चलूँ कि हमारे पास जो भी नुकसान हुआ है तो वो सिंध हुकूमत उस नुकसान की जिम्मेवार है। अच्छा, क्योंकि सिंध हुकूमत को चाहिए था, उनको पहले पता था कि ये सैलाब आने वाला है, ये बारिश आने वाली है, तो उनको इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए था। मगर सिंध हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया। पहले से इकदाम करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, देखें पिछली दफ़ा जैसे हुआ सानिया मरी का आपने सुना होगा। बिल्कुल वाक्य सुना था, तो उस टाइम यहाँ से चले गए थे, दोबारा फिर जाने के दो दिन पहले चले गए। अच्छा, उस वाक्य के बाद मैं आपको बताऊँ ये सीन हुआ है कि पहले से तैयारी में है मरी सारी, कि अब लोग आए तो उसको कैसे यानी उनकी सेटिंग करनी है। तो अब माशाल्लाह मरी इंतजामिया तो बड़ी भरपूर है, अब स्नोफॉल होगी आप खुद देखिएगा, इंतजाम करने पड़ते हैं। आपका सिंध जो है वो बहुत पीछे छोड़ा हुआ है, उन्होंने इतना पीछे छोड़ा हुआ है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सिंध हुकूमत के रोड रस्ते तबाह हुए हुए हैं, घर बिल्कुल ऐसे नहीं तो एक घर, हजारों घर जो है ना बर्बाद हुए हुए हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हुई हुई हैं। यानी कि ये एक बात की जाए कि 10 साल में भी ये अजाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नुकसान बराबर नहीं हो सकता, इतना नुकसान हुआ। ये तो सुनने में आ रहा था बड़ी पेमेंट आ रही है तो वो लगा के दे रहे हैं लोगों को। सिंध हुकूमत जो है ना अपनी जेब में पेमेंट खाने के लिए, यही पेमेंट खाने के लिए उन्होंने सिंध को तबाह किया। ओए ये चीज खाने के लिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए मुल्क में, मुल्क की बेहतरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी कागान से आजाद कश्मीर यहाँ तक पहुँचे। यहाँ आके सारा एरिया कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा। अगर 3 साल पहले हम आए थे ये कागान की तरफ तो रोड रास्ते खराब थे, मगर यहाँ पे दिन ब दिन बेहतरी हो रही है और हमारी सिंध जो है दिन ब दिन तबाह हो बर्बाद हो रही है। समझते हैं कि पंजाब ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक जा रहा है, यहाँ आके लगता है कि हम पाकिस्तान में। बिल्कुल यही बात। अगर आप सिंध में कभी आपका आना होगा तो आप देख के आपको रोना आ जाएगा। जरूर आएंगे इंशाल्लाह जी, आपसे मुलाकात भी करेंगे। कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? जरूर आएंगे इंशाल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे।